तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राजीव आर्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो मैं हूँ इस वक्त त्रिवेंद्रम में और त्रिवेंद्रम केरला की राजधानी है। तो आज इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं श्री पद्म स्वामी मंदिर। तो यहाँ शुरू में आए तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और कैसे आए, क्या किए, उसके बाद क्या किए, जो भी है सब कुछ बताने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो बस इंट्रो सोचे ये शाम के टाइम का है। शुरू में आए थे तो क्या हुआ वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके साथ ना हो, ठीक है। बाकी यही बात है, तो चलिए काम 25 करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, बहुत मेहनत वहाँ करना पड़ता है, कहीं पर भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले हम आए हैं श्री पद्मनाथ स्वामी टेम्पल में और यहीं से शुरुआत करेंगे भैया। विष्णु भगवान जी का टेम्पल है और ऐसा है, ये लोकेशन जो है ईस्ट फोर्ट है उसके पास ही है। बाकी यहाँ आपको पीछे बस स्टैंड मिल जाएगा ईस्ट फोर्ट का और बड़ा सा एंट्री गेट दिखेगा, वहीं से आपको प्रवेश करना है। ज़्यादा दूर है नहीं, एकदम बस स्टैंड के पास में ही है। तो जय हो विष्णु देवता। आज है गुरुवार, तो आज मेरा दिन भी अच्छा है और हम बहुत एक्साइटेड थे पहुँचते। सबसे पहले तो यही देखे, हम सोच रहे थे कि कल होगा, कल करेंगे, लेकिन हम आज ही सोचे कि कर ही लेते हैं दरअसल। और यहाँ हमको कैसे जाना पड़ेगा पता है, पूरा वस्त्र हटा के और सिर्फ लुंगी में हमको जाना होगा। बाकी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक दिखा सकते हैं। लोग जितने भी हैं पूजा करके आ रहे हैं, अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। बगल में इसे तालाब कह सकते हैं। और देख लीजिए, ऊपर एकदम हटके जाना पड़ेगा। अंदर आप अभी जाएंगे और लेंगे सारा कपड़ा, मुझे हटाना होगा। बाकी यही है, स्वामी जी का मंदिर है, जय स्वामी जी। तो बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, तो ले लिए हैं धोती और ऊपर का तौल। और क्या है ना कि अभी बंद हो गया है, 12 बजे बंद हो जाता है और 12 बजे सॉरी 1 बजे बंद हो जाता है और 1 बजे के बाद 2 घंटे बाद ओपन होता है, 3 बजे के आसपास तो ओपन होगा। उसके बाद लॉकर भी खुलेगा और आप ख़रीद ही सकते हैं, 150-200 रुपये में आपको नॉर्मली मिल जाएंगे। बाकी अभी कुछ देखते हैं आसपास के प्लेसेस को कवर करते हैं। ये सब चीज़ पहन के आप नहीं जा सकते, शर्ट पैंट गंजी, ये फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं, कीस वीस कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पे आपको धोती वगैरह जो है सो मिल जाएगा और लॉकर भी यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई इशू ना है। बाकी इधर का माहौल, यहाँ एक चीज़ मुझे देखने को बहुत मिला, ये देखो ये जो मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे भी लॉटरी का जो सीन है ना, बहुत सारे दुकान है यार, हर एक मतलब 5 कदम पे वो देखो SPM लकी सेंटर, श्री पद्मनाथम लकी सेंटर, खाली लकी सेंटर भी जैसा आप बन सकते हैं। बाकी आपका नसीब बहुत खुश अच्छा होगा, बहुत अच्छा, तभी आज कुछ कर पाइएगा, नहीं तो बाकी कुछ नहीं, आपका लॉटरी लगने वाला है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे ही श्री पद्मनाथम स्वामी जी के टेम्पल से आप बाहर निकलिएगा तो आपको बस स्टैंड मिलेगा। बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे जाके आपको एक भव्य गणेशा का टेम्पल मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य है और बहुत ही अच्छा है। आपको हम दिखाते हैं, अभी हम वहीं जा रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें। बाकी मार्केट भी घुमाना है। हाँ, एक चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जो भी है ना तिरुवंतपुरम या त्रिवेंद्रम बोल दीजिए का जो भी ब्लॉग होगा वो 3 या 4 सीरीज में आएगा। और आपको अगर पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा 3 या 4 जो भी होगा वो पूरा ब्लॉग देखना होगा, तो पूरा आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या है और कैसे क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और ज़्यादातर जो बातें हम बताएंगे, ये देखिए ये रहा वो मंदिर, और अभी पट एक्चुअली बंद हो गए हैं। फिर टाइमिंग होता है कि आप इस टाइम ही आ सकते हैं और यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए, बहुत भव्य है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अगल बगल में ही है दोनों मंदिर
और आगे चलते हैं, और कुछ दिखाते हैं आपको। अब कुछ ना कुछ तो 2 घंटा करना ही होगा। एक चीज़ और प्रिफेयर करना चाहेंगे कि आप कभी भी यहाँ आएँ, आपको हमेशा हमेशा गर्मी लगने वाला। अभी ठंड का मौसम है नॉर्थ में, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा सुबह में माइनर जो कह सकते हैं वो लगता है, वो भी अगर कोई व्हीकल से चल रहे हैं तो बाइक से या ट्रेन वगैरह या बस से, तभी बाकी ऐसे नहीं लगता। मुझे एक बात देखकर बहुत अच्छा लगता है ना, ये एक बात आपको पता है, भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में पाए जाते हैं, तो 92% है, 98 हो गया अब तो, ये चीज़ है। और यही कारण है ना कि यहाँ पे इतनी स्वच्छता है, देख रहे हो बहुत ज़्यादा स्वच्छता है। और इसके भी बहुत सारे शहर आते हैं भारत में सबसे अच्छे स्वच्छता में। बाकी आपको देखकर तो पता लग ही गया होगा कि क्या स्वच्छता है और क्या नहीं। तो आप भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, तो यही है। और मुझे देखो क्या मिला है, पूछते हैं कि ये आई थिंक काजू। व्हाट इज दिस काजू? हाउ मच? 100? ओके, तो लिए हैं भैया 50 रुपये का, 60 ग्राम, ठीक ही है जो है, सही है। 50 रुपये का मिला है, अच्छा क्वालिटी वाला, खाने में भी टेस्टी लग रहा था। नहीं कुछ खास नहीं है, मतलब खास कहने का मतलब ये है कि हमारे इधर भी उतना ही में मिल ही जाता है। हाँ ये है कि ये रेस है ज़रूर, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ले लिए, खाएंगे, थोड़ा एनर्जी बढ़ाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये चले जा रहा है, कहाँ चले जा रहा है, क्या कर रहा है। पता है, एक तो पहला बात कि शहर घूम रहा हूँ, और दूसरा बात क्या है ना कि रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ कि कोई भी ढंग का मिल जाए जहाँ बैठ के आदमी खा सके। तो ये बात है, क्योंकि क्या है ना, इडली डोसा बिरयानी या वड़ा खा के आप बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव करने के लिए आपको, क्योंकि वो नाश्ता हो गया, और वो नाश्ता हो जाता है तो मतलब खाने के बाद फिर से भूख लग जाता है। एक प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा, और देखना है कि कहाँ मिलता है, कोई ढंग का मिल जाए। यहाँ तो दिख रहा, लेकिन पानी दिख रहा है यार सिर्फ। और ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे आई थिंक लग रहा है प्रोटेस्ट चल रहा है, जस्टिस फॉर श्रीजीव। ओ माय गॉड, श्रीजीव यार, आई थिंक मुझे लगता है मर्डर वर्डर हो गया है। KPMS के द्वारा किया जा रहा है प्रोटेस्ट, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, तो ये सब तो चलता ही रहता है, पता नहीं किस चीज़ का, लोग बहुत कम है। बाकी बहुत एक्साइटेड हैं कि कहीं ना कहीं कुछ नया चीज़ मिलते रहे। और एक दूसरा चीज़ और एक्साइटेड है कि धोती में आज मैं फ़ोटो क्लिक करवाने वाला हूँ, पूजा करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। नहीं, एक बार मैंने किया, मैं वैसे साउथ का बहुत पहले से फैन हूँ, आई थिंक 5 साल से, लेकिन इतना डिस्टेंस है ना, अभी अपने घर से 3500 किलोमीटर दूर हूँ मैं, सोच सकते हो। तो ये चीज़ है, ये जो रोड है ना, ये MG रोड है, यानी कि महात्मा गांधी रोड। ये कॉमन नेम है, मतलब बताइए, हर एक बड़े शहर में आप जाएंगे तो ये कॉमन नेम है। और ये सामने जो देख रहे हैं आपको चर्च है, इसका नाम है संत ग्योरेज ऑर्थोडॉक्स चर्च। और ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो व्यू है वो देखो। एक चीज़ यहाँ पे अलग है यार, चर्च में ये जो आपको पीला पीला लंबा सा दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है लंबा सा, ये एक्चुअली साउथ के मंदिरों में होता है, लेकिन चर्च में भी है। ये थोड़ा अलग देखने को मिला, अलग नहीं बहुत अलग देखने को मिला, और सही है फिर भी जो भी है। तो MG रोड में ही है। तो मेरे सामने जो चौक देख रहे हैं उसका नाम है स्वदेश अभिमान चौक है,
चौक बोल लीजिए, स्क्वायर बोल लीजिए, स्क्वायर ही है। तो कितना प्यारा नाम है यार। और ये देखो ये क्या है, केला का पत्ता है क्या, केला है क्या, ये बनाना का ट्री तो नहीं है, पत्ते तो वैसे ही हैं पता नहीं। और ये सामने देख रहा है ये है चंद्रशेखर नायर स्टेडियम। तो चलिए हम उधर चलते हैं पहले। ये स्क्वायर जो है ना बहुत मुख्य रूप से बहुत ही यूजफुल है अपने आप में। और इस पे तो काम चल रहा है भाई। ये कौन सा है, संत जोसेफ करके कुछ है, हाँ संत जोसेफ चर्च है ये। तो फिलहाल इस चर्च को पेंट किया जा रहा है और पूरा काम चल रहा है, देख लो। तो आज पेंट हो रहा है, बट आप जब भी आए तो यहाँ पे जरूर घूमें, क्योंकि ये कौन सा, यहाँ पे भी है यार ये। और ये कौन सा चर्च है पता है ना, संत जोसेफ। बाकी अरे दो मंजिल वाली बस ये यहाँ भी चलती है क्या, मिस कर दिया मैं। चलो कोई नहीं। ओह माय गॉड ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। ये मॉस्क लग रहा है आई थिंक। और ये बहुत ही प्यारा है यार, ये तो पूरा मतलब वो वाली फील आ रही है, क्या कहते हैं इस्तांबुल। सही है यार, यहाँ तो फोटो क्लिक करवाना बनता है भैया। तो सीधे चलते हैं अब मंदिर पे, दर्शन कराते हैं। बाकी आपको शहर घूमना है ना तो सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, बस लीजिए और घूमते रहिए, पूरा नज़ारा मारते रहिए। पूरा शहर घूमने के लिए आपको बस आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी तो ऐसे घूम सकते हैं। बाकी बस भी बहुत मज़ेदार है, चारों ओर से हवा आते रहता है, देख रहे हैं। तो ये चीज़ है, बाकी फील तो बहुत अच्छा होता है भाई। MG रोड से कुछ ही दूरी पे, लगभग 100 मीटर की दूरी पे आपको तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दिख जाएगा, और यही मेन रेलवे स्टेशन है यहाँ का। इसके जस्ट सामने जो आपको बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखेगा इस साइड है, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये कोई मॉल नहीं, यहाँ का बस स्टैंड है। और यहाँ से आपको सभी जगहों के लिए गाड़ी मिल जाएगा। तो ये हमारा खाना है, राइस सब्जी है, पता नहीं किस किस चीज़ का, और सांभर सब्जी, तीन चार प्रकार के हैं। तो खाते हैं भाई, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। तो भाई फाइनली दर्शन हो गई है, और दर्शन होने के बाद क्या हुआ, देखिए पीछे मेरे टेम्पल है स्वामी जी का और विष्णु भगवान का मंदिर है। तो उसमें क्या है ना कि भगवान का आप अंदर दर्शन करेंगे, जो कि शेषनाग पे लेटे हुए हैं और सोए हुए अवतार हैं उनका। ये है दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल, और ये है केरला के तिरुवनंतपुरम में। अंदर जाने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ये आपको सबसे पहले बताते हैं। तो अंदर जाने के बाद पूरा सिक्योरिटी चेक होता है, सबसे पहले तो आपको सारा वस्त्र उतारना पड़ेगा अंदर, अंडर गारमेंट्स हो रखे मतलब नीचे का, और बाकी सारा चीज़ उतारना पड़ेगा। बाकी दूसरा बात बनियान भी उतारना पड़ेगा, और नीचे आपको धोती जैसे कि मैंने पहना है धोती, और ऊपर ये लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही जा सकते हैं, कोई इशू ना है। बाकी आपका अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेक होगा, पूरा स्कैन करेगा, पर्स अलाउड है मतलब पर्स में सिर्फ पैसा होना चाहिए, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है, मेमोरी तक अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और धीरे धीरे वहाँ से गेट खुलेगा आधा घंटे बाद, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा लगभग 45 मिनट, उसके बाद आपको अंदर जाने के लिए धीरे धीरे दिया जाएगा। उसके बाद जाते 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 आपको क्या करना पड़ेगा कि हर चीज़ सोने का दिखेगा आपको, पत्थर का स्ट्रक्चर छोड़ के बाकी लगभग मोस्टली चीज़ सोने का ही है, और हर चीज़ दिखे मतलब सोना का रहेगा। उसके बाद आपको तीन चार राउंड देना है, उसके बाद आप जो भगवान का अवतार है नरसिम्हा अवतार वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा अवतार मेरे ख्याल से वो नहीं होता है, तो जो भी हो सब भगवान तो एक ही हैं, तो वो अवतार में आप प्रवेश करेंगे। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो अपना जो भी मांगना हो मन में मांग सकते हैं। उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे, फिर वासुदेव जी का अलग मंदिर है, उसके बाद बहुत सारा एरिया में आपको बहुत कुछ मिलेगा, थोड़ा स्पेस है, पैसा अलाउड है क्योंकि अंदर प्रसाद है और मूर्ति फोटो है ये सब आप ले सकते हैं। उसके बाद गणेशा का मूर्ति है, बाकी काफ़ी अच्छा खासा एरिया में है, कुछ रेत है, कुछ नया नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, और ये सब बातें हैं। तो अंदर होता अलाउड तो अंदर हम आपको ले जाते हैं, बाकी सारा कुछ हम बता दिए A to Z बता दिए आपको, अब कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सामने काउंटर है,
20-25 रुपये में आपका, मतलब 10 रुपये का थैला, थैला के लिए 10 रुपये लगता है, पैंट जमा करने के लिए सिर्फ, और ऊपर का टी शर्ट तो 2-2 रुपया लगेगा, वैसा है रेट। और फ़ोन रखने के लिए 7-7 रुपया लगता है। तो मेरा 2 फ़ोन था, 2714, कैमरा के लिए 20 रुपया है। ये सब रेट तय है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो लूँगी, और आपको ये ख़रीदना पड़ेगा गमछा, और फिर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको सबसे पहले हम बता दें कि 12 से 4 तक आप बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकते, बंद होता है पट, और आपको अलाउड नहीं। मतलब मेरा तो दिन भर यहीं बीत गया, अब सोचे थे कि कहीं और जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज गुरुवार था, बहुत ही अच्छा दिन था मेरे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत मैं खुश हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मैं कम से कम भगवान जी का जो है दर्शन कर लिया, और मेरा जो है सपना पूरा हो गया। बाकी आप भी आइए, आप भी कीजिए, और बहुत मतलब अच्छा है, सुकून मिलता है। और जय वासुदेवाय नमः, जय विष्णु देवाय नमः, तो ये मंत्र करते रहिए, और आपका कल्याण निश्चित है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें आपको हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, अपना रूम के बारे में बताने वाले हैं कि हम कहाँ होम स्टे किए हुए हैं, प्लस साइट सीन्स जो है, बीच वगैरह, वो सब देखेंगे, घूमेंगे। 2 से 3 पार्ट में आएगा त्रिवेंद्रम का, ठीक है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है।